बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ एग ऑमलेट करी। और सबसे पहले हम इसकी करी तैयार कर लेंगे। तो करी के लिए जो चीज़ें चाहिए, यहाँ पर मेरे पास प्याज है, 3 दरमियाने साइज़ के प्याज थे जिसको स्लाइस करके मैंने ब्राउन कर लिया है। 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1/2 टीस्पून ज़ीरा है, 8 से 10 काली मिर्चें हैं, 2-3 लौंगे हैं, दालचीनी के टुकड़े हैं मेरे पास, नमक और लाल मिर्च हसबे ज़रूरत है, और यहाँ पर हल्दी है मेरे पास 1/2 टीस्पून। ऑयल यूज़ करेंगे इसके अंदर हम 1 कप। मैं क्या करूँगी, सबसे पहले ये प्याज और टमाटर की मैं पेस्ट बना लूँगी। इन दोनों की मैं बना लेती हूँ पेस्ट, फिर हम जो है इसको पकाने की तैयारी शुरू करेंगे। यहाँ मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। अब मैं शामिल करूँगी इसके अंदर साबुत गर्म मसाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छा खासा गर्म है तेल। अब मैं शामिल करूँगी इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब मैं शामिल करूंगी इसके अंदर सारे मसाले, साथ में शामिल कर देंगे जो हमने पेस्ट बनाई थी प्याज की और टमाटर की। चलो ये शामिल कर दी। ये शामिल करने के बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी और हम इसको पकाएंगे 10 से 15 मिनट तक। मैं इसको पकाऊंगी अच्छे से ताकि सारे मसाले आपस में पक जाएं, अच्छे से पक जाएंगे। तो मैं 10 से 15 मिनट तक इसको मैं पकाती हूँ। जब तक ये पकेगा हम जो है ना वो ऑमलेट उसकी तैयारी कर लेते हैं। मुझे ऑमलेट की जो चीज़ें चाहिए, यहाँ पर मेरे पास 5 अंडे हैं, यहाँ पर मेरे पास प्याज था बड़े साइज़ का जिसको मैंने चॉप कर लिया, 1 बड़े साइज़ का टमाटर इसको भी चॉप कर लिया है, 1 हरी मिर्च थी इसको भी चॉप कर लिया है, और यहाँ पर मेरे पास धनिया है, 3 टेबल स्पून मेरे पास धनिया है, और यहाँ पर मैं नमक है हसबे ज़रूरत। मैं लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं कर रही क्योंकि मैंने जो करी बनाई है उसमें भी मैंने लाल मिर्च डाली है, और ये हरी मिर्च जो है ये काफ़ी कड़वी है, तो मैं लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं कर रही। आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं लाल मिर्च। तो अब जो हम इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने पैन के अंदर ऑयल डाल दिया है। अब मैं शामिल करूँगी इसके अंदर चॉप किया हुआ प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये शामिल करने के बाद मैं अब इसको जो है थोड़ा सा सोते करेंगे हम प्याज को, और उसके बाद हम इसके अंदर टमाटर शामिल करके उसको भी थोड़ा हम सॉफ्ट कर लेंगे। दोनों चीज़ों को हमने सॉफ्ट करना है। मैं ज़रा इसको 2 से 3 मिनट तक इसको मैं अच्छे से सोते करती हूँ। कलर नहीं आने देना, बस हल्का सा इसको मैंने सॉफ्ट करना है। देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, इसको मैंने हल्की आँच पर किया है। शामिल करूँगी इसके अंदर टमाटर। अब मैं इसको भी थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे, टमाटर को भी हम तकरीबन 1 से 2 मिनट लगेंगे इसको भी, तो इसको भी मैं अच्छे से सॉफ्ट कर लेती हूँ। ये देखें टमाटर भी हो चुका है, मैं हार्डली इसको एक मिनट किया है और ये सॉफ्ट हो गया है। अब मैं जो हूँ इसको बाहर निकाल लूँगी। यहाँ पर मेरे पास ये अंडे हैं, इसके अंदर मैं नमक डालकर इनको फेंट लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम अच्छे से फेंट लेंगे। ये मैं फेंट गए। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी ये जो प्याज हमने प्याज टमाटर किया था फ्राई, वो साथ में हम धनिया और हरी मिर्चें, इसको मज़ीद अच्छे से मैं फेंटती हूँ। चले जी, ये हो गया अच्छे से मिक्स। अब जो है ना हम इसका ऑमलेट बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने पैन के अंदर 3 टेबल स्पून ऑयल डाला है। अब मैं शामिल करूँगी इसके अंदर अंडा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ 1/2 बैटर मैं इसका शामिल कर रही हूँ। हिला लेते हैं अच्छे से। अब हम इस अंडे को पकाते हैं जब तक जो है ना ये एक तरफ से हो नहीं जाता, फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। अब मैं इसको पलटती हूँ।
चलिए जी, ये मैंने पलट दिया। अब जो है हम इसको दूसरी तरफ से पकाते हैं ताकि इस तरह से भी कलर आ जाए, फिर हम इसको बाहर निकाल लेंगे। देखिए अंडा जो है ना हमारा पक चुका है, अब जो है मैं इसको बाहर निकाल लूँगी और इसके मैं पीस कट करूँगी। मैं जो हूँ उसको ट्राइंगल शेप में कट करूँगी, इस तरह से जो है हम ट्राइंगल शेप में काट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसके तकरीबन इसके पीस हो जाएंगे चार, तो कर दूँगी ये आठ इसके पीस हो जाएंगे, ठीक है। मैं इसको ट्राइंगल शेप में कट कर लूँगी। तो अब मैं इसको बाहर निकाल लेती हूँ, जो बाकी का मेरा बैटर बच गया उसको भी हम बना लेते हैं। जो ऑमलेट है वो मैंने बना लिया है, उनको मैंने कट भी कर लिया ट्राइंगल शेप में जो मैं आपके सामने कट किया था। मैंने बाकी दूसरा भी ऑमलेट कट कर लिया है और मैंने एक ऑमलेट के आठ पीस कर लिए हैं। तो ऑमलेट मेरा बन गया है। अब ये मसाले को भी 15 मिनट हो चुके हैं अच्छे से पकते हुए। अब जो है मैं इसको अच्छे से भूनूंगी ताकि जो इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। फिर जो है हम इसके अंदर इसकी ग्रेवी करेंगे। ये पहले मैं इसको अच्छे से भूनूंगी ताकि जो है ना इसका पानी ड्राई हो जाए, ऑयल जो है इसका सेपरेट हो जाए। देखिए मसाला जो है वो भून चुका है। अब मैं शामिल करूँगी इसके अंदर पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, मैंने अभी एक कप पानी डाला है इसके अंदर। मैं देखूँगी मुझे मज़ीद ज़रूरत पड़ेगी तो नहीं, काफ़ी है इतना पानी, मज़ीद डालने की ज़रूरत नहीं है। हम इसका बॉयल आने का वेट करते हैं। आप इस स्टेज पे इसका जो है नमक वो चेक कर सकते हैं ताकि जो है वो कम ना हो। तो मैं इसका जो है ना बॉयल आने का वेट करती हूँ। देखिए इसमें बॉयल आ गया है। अब मैं जो हूँ, जो हमने ऑमलेट बनाया था ना, वो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से हम ये सारे जो ऑमलेट बनाए थे सारे शामिल कर देंगे। चलिए मैंने सारे डाल दिए, और कुछ पीस जो मेरे से टूट गए थे कटिंग के दौरान मैंने वो भी डाल दिया है इसके अंदर ही। उसको मैं हल्का सा हिला लूँगी और मैं जो उसको दम पे रखूँगी, दो से तीन मिनट के लिए हम इसको दम पे रखेंगे ताकि ये अंडे का भी फ्लेवर मसाले के अंदर आ जाए, मसाले का फ्लेवर जो है वो भी अंडे में आ जाए। तो हम इसको 2 मिनट तक के लिए मैं इसको दम पे रखूँगी ढककर। 2 मिनट हो चुके हैं और ये हमारी ऑमलेट करी तैयार हो चुकी है। अब मैं जो है ना आपको उसको सर्व करके दिखाऊंगी। ये देखें मैंने इसको सर्व कर दिया और इसको मैंने हरे धनिए से गार्निश कर दिया है। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। आपने कभी ट्राई नहीं की तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। आप इसको रोटी के साथ खाएँ, चपाती के साथ खाएँ, तंदूरी रोटी के साथ खाएँ, घी वाली रोटी के साथ खाएँ, पराठे के साथ खाएँ, बहुत मज़े की लगेगी। आप इसको ट्राई करें तो ज़रूर मुझे पिक्चर शेयर कीजिएगा इंस्टाग्राम पर, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अब मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।